हर साल जो है एक बढ़िया प्रदर्शन इस मैदान पर किया है, तो निश्चित ही दोनों दिन में कड़ा संघर्ष होने की संभावना है। काफी अनुभवी भी कौन मैं करना देती और खाता खोलना है दोनों टीमों को अपना दोनों टीमों से एक एक एंट्री रेड होता हुआ हरियाणा की ओर से दूसरा सर्विस हरियाणा की कोर्ट पे लेफ्ट कॉर्नर पे राइट कॉर्नर को दौड़ाते हुए और एंट्री रेड होता हुआ तो पॉलिटिक खेल में दो रेड एंट्री रेड होता है, दूसरा दो अढ़ाई होता है। शायद दोनों टीमों का यह है दूसरा रेड देखना हरियाणा अपने दूसरे के खाता खोल पाना है कि नहीं। छह नंबर के जैसे बने हुए प्लेयर सात के डिफेंस में मारती नहीं और अपना इलाका बनाते हुए कोई काहे से भी इज्जत करे बताया अनिवार्य हो जाता है। जो भी करना है रेडर को करना है, शेप चलना चाहिए आप हरियाणा और निश्चित ही या फिर टेबल के माध्यम दो टीमों का खाता खुला आता है और डिफेंस के रूप में कर दिया है हरियाणा अपना खाता खोल चुका है और इस बार टू आने हरियाणा की एक अच्छा मौका खरगाना के लिए खाता खोलने का बोनस हरियाणा को सही मंच है। डिफेंस रूप में दोनों टीमों का खाता खुला है, दोनों टीम एक एक पॉइंट लेकर के बढ़िया शुरुआत तो करना दोनों टीमों की ओर से हरियाणा को दस नंबर के लाइन तक गए थे और शायद सफल भी हुए हैं। हरियाणा खिलाड़ी सात के डिफेंस पे दो एक की स्थिति तीन एक की स्थिति शायद और बढ़िया रेट करने वाला खरगाना की ओर से देख रहा है कितने अंक दिए हैं, वहां दावा ठोका जा रहा है और दो अंक लिए हैं, बहुत ही बढ़िया सर्विस हो गए रेट पॉइंट पर अंक लिए हैं और इस बार बहुत बढ़िया मुकाबला दोनों टीमों के बीच। पहले बता चुका हूँ काफी अनुभवी टीम को मैं खरगाना जी की जब चल पड़ते हैं तो उनका डिफेंस और रेड दोनों ही चलता है और मैं मेरे मित्रों आप सभी का पूरा हार्दिक अभिनंदन और इंसान माइक्रोफोन में भाई अंजू कुशरो बहुत अच्छा सबसे पहले मैं सभी आए हुए सभी दर्शक का स्वागत करना चाहता हूँ। मैं पितामर मिश्रो मेरे साथ मेरी भाई धन्यवाद अनिल भाई और आज का पिछले दिवस का पहला मुकाबला टाइमर चालू हुआ है और इस बार नेक्स्ट रूप में लग गया हरियाणा को दोनों भी सेम गेम बचा रही है अभी तक से देखा जाए तो अभी आक्रमण पर हरियाणा की टीम और बहुत ही अच्छा पिछले रेल में बहुत अच्छा बनाया था इस प्लेयर ने अपने टीम को संभाल के रखा है। वैसे ही फील्डिंग में वापसी करने के लिए बेचे हैं हरियाणा की हरियाणा की रेडर छह की डिफेंस पे तो थोड़ा सा है और इस बार बढ़िया कैच का हुआ है ठीक से बढ़िया बॉलिंग है से बढ़िया प्रयास किया सफल टाइम हरियाणा अपने डिफेंस लिए चले जाती दो अढ़ाई चार के डिफेंस में थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है अगर के लिए लेकिन देखना है हरियाणा के इधर कहाँ से हम निकालना है बिल्कुल जानते हैं
कबड्डी में और पूरा प्रयास करके बहुत ही मुश्किल काम होता है, खास करके हरियाणा जैसे टीम के सामने चार निकालना और टू और ढाई पे फंसे खरगना के पूरा हिमाचल हरियाणा की ओर से युवा खिलाड़ी छह के डिफेंस बोनस आना है हिमाचल के लिए। हालांकि अभी तक भी काफी बढ़िया जो खेल खरगना की ओर से चल रहे हैं हरियाणा के बीच बहुत अच्छा खेल दिखा है अभी तक से खेलों में। खरगाना के लिए हीरो बनने का मौका इस प्लेयर ने करके दिखाया है। और इसको बारे में बताएंगे दोनों भाई। और जबकि पहले आपका खेल बचा हुआ है पांच पांच का स्थिति, लेकिन देखना शायद खरगाना की टीम जो है एक अंश शायद लीड करेगी छह पांच की स्थिति नहीं पाए, जबकि पहले हाफ का कुछ समय बचा हुआ है। बहुत ही बढ़िया खेल होंगे खरगाना की ओर से एक अंकों के लिए चार के डिफेंस में खरगाना का रेडर इसके पक्ष में जाता है। पांच छह की स्थिति है, मजबूत स्थिति कहूंगा मैं खरगोना की। अब देखना है यहाँ से सात मिनट का खेल बचा हुआ है तो जरूर पूरा प्रयास करेंगे। बोनस आना है सात के डिफेंस पे इस बार खाली समय सफल कोच कहूंगा मैं खरगोना की ओर से। सुपर टैकल ऑन है ए भैया, तो मैच का स्कोर लेवल हो सकता है ए भैया। पांच सात की स्थिति है, हरियाणा को स्कोर पकड़ना होगा अगर स्कोर लेवल चाहते तो। टीम की डिफेंस में और उतने बढ़िया रेडर खरगना सारे के लिए जो रेडर अभी तक सफल तो नहीं हुए हैं, लेकिन स्टार रेडर खरगना के दो नंबर के सुपर हुए हरियाणा के खिलाड़ी खरगना के मैदान में। बोनस आ रहा है सात के डिफेंस पे, थोड़ा सा दबाव जरूर होगा हरियाणा के ऊपर। खरगना की ओर से क्या दो अंकों के अंतराल पर भी भाई खरगना जितना हरियाणा जितना जल्दी हो सके बराबर करना चाहेंगे। एक पकड़ की जरूरत है मात्र, कभी भी वापसी हो सकती है अगर से पकड़ते हैं तो पक्का दो अंकों का। इसी के लिए खेल रहे हैं अभी तक से, अब किसी भी अंग निकालने के जहां तक अन्य भाई हरियाणा देखते हैं आगे चाहता है और वही हुआ जो होना था स्कोर लेवल होता हुआ। इसको कहते हैं माइंड गेम, लाइन में निश्चय ध्यान देंगे खिलाड़ियों को कब वार खड़ा करेंगे। मोटर की आवाज खतरे की घंटी होती है इस प्रकार, खतरे की घंटी शायद हरियाणा के लिए डिफेंस कमाल कर दिखा है खरगोना के दोनों ही ओर से। अपना डिफेंस बहुत अच्छा कार्य किया है मेरे भाई, दोनों ही टीम ने काफी मजबूती डिफेंस पर बढ़िया मैच करने वाले दोनों टीमों के बीच दर्शकों का पूरा मनोरंजन होता हुआ। देखना है अंजुम भाई छत्तीसगढ़िया हरियाणा पे भारी पड़ते हैं, हरियाणा वाले छत्तीसगढ़िया पे और एक अंक का दावा ठोका गया था। स्कोर पूरा लेवल होता हुआ
आधा की स्थिति, जबकि शेजर हाथ पे 3.5 मिनट का खेल बचा हुआ है और यह खाई पे होके अरे भाइयों दोनों खाई पे 9 8 और खरगाना का मैच दोनों ओवर इधर बाहर रिवाइज कराना होगा खरगाना के अपने मैच स्टार रेडर को अपना खेल डिफेंस में दिखाता है पवन सरावत की तरह 2 मिनट के साथ बोनस और गावड़ा और चुके खरगाना को वापसी करना है गेर बलंगा हुआ खरगाना को हरियाणा का भारी अगर होना है तो अंग लगाना होगा और अंग बनाकर ही अपना अच्छा खेल दिखाते हैं हरियाणा मेन है तो गए खरगाना के लिए सुपर टेक करवाना है निश्चित ही अगर इसमें डिफेंस बैंक लेते हैं खरगाना तो स्कोर कुछ अलग हो सकता है एक अच्छा मौका है खरगाना के लिए टीम की डिफेंस पे और जानते हैं हरियाणा के मौका नहीं किसे बुलाते एक अच्छा रणनीति अपना हुआ खरगाना को टू और डाई के इंतजार कर रहा होगा हरियाणा और रणनीति अपनाते हुए खरगाना की टीम क्योंकि निश्चित ही सुपर टेकल होने भी खरगाना के लिए इंतजार करेंगे खरगाना एक रेट का और जैसे ये एंट्री रेट अगर हो जाए तो अगला रेट पे मैच का कुछ परिणाम अलग हो सकता है 11-8 की स्थिति जबकि करीब करीब 2 मिनट का खेल सेकेंड हाफ पे बचा हुआ है 3 अंक से पीछे गेम चल रहा है मेरे भाई हरियाणा की ओर से और हरियाणा के लिए एक अच्छा मौका सुपर टेकल ऑन है 2 और 9 देख रहे हैं काफी अंदर का टीम का है हालांकि जानते हैं जबकि 12-11 की स्थिति बहुत ही मैच जो है और रोमांचक होता हुआ जो भी करना है हरियाणा को करना होगा जानते हैं हरियाणा की टीम फिक्स खेलना ही चाहेंगे एक अच्छा मौका हरियाणा के बन चुका है काफी टीम का है मैच छुई मेरे सफल हो चुके हैं पूरा दोनों टीम बराबरी पे इस बार हरियाणा की ओर से 10 नंबर का सफल हो चुका है काफी टीम का इस बार टेक्निकल पानी दवाई मिला जब देखना है इसके बाद स्थिति और देखना है शायद मैच टाई हो चुका है